क्या मैं एक सिंगल बेडरॉक पे सर्वाइव करके अपना एक वर्ल्ड बना सकता हूँ? क्या माइनक्राफ्ट में ऐसा पॉसिबल भी है? मैं ट्री कहाँ से लेके आऊंगा? अरे ट्री तो छोड़ो, मैं डर्ट कहाँ से लाऊंगा? क्या मैं आयरन, गोल्ड, डायमंड ये सब चीजें माइन कर पाऊंगा? माइन करने के लिए मेरे पास वर्ल्ड ही नहीं तो मैं माइन कहाँ से करूंगा? अरे भाई मैं तो जानवर भी नहीं पाल सकता क्योंकि जानवर तो यहाँ पे स्पॉन ही नहीं होंगे। इतनी सारी चुनौतियों के बीच एक और बड़ी चुनौती ये वर्ल्ड हार्डकोर में है, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ होगी, मेरे पास एक ही चांस होगा इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने का। मैं मरा तो पूरा वर्ल्ड डिलीट। तो अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये सर्वाइव कैसे करेगा, तो भाई मेरे पास सर्वाइव करने का एक रास्ता है। वो बताने से पहले इस वर्ल्ड को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, यानी कि मैं इसमें सर्वाइव करने वाला हूँ विद क्रिएट मोड। तो यस गाइस, आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी क्रिएटिविटी। बट मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? हाउ इज दिस पॉसिबल ऑन ए सिंगल बेडरॉक? स्पॉइलर अलर्ट, एट द एंड में आप लोगों को कुछ ऐसा दिखने वाला हूँ भाई। सो फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने इस लॉजिकली बेडरॉक के वर्ल्ड में कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करने वाला हूँ। तो भाई ये बेडरॉक बहुत स्पेशल बेडरॉक है। सो वर्ल्ड हमारा जनरेट हो गया है भाई, और ये जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सो मैं अपने हार्डकोर वर्ल्ड में आ चुका हूँ भाई। वर्ल्ड तो क्या, इसको एक स्काई ब्लॉक बोलेंगे। तो मैं अपने हार्डकोर स्काई ब्लॉक बेडरॉक वर्ल्ड में आ गया हूँ। मैंने बोला था भाई ये जो बेडरॉक है ये बहुत ही लॉजिकली है, तो चलो बताता हूँ आप लोगों को इसका राज। तो देख रहे हो गाइस, इस बेडरॉक को हम माइन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके से कोड किया गया है, और जब मैं इसको माइन करता हूँ तो इसके अंदर से मुझे अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स मिलेंगे, या कह लीजिए कि अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस मिलेंगे। इसमें अलग अलग तरीके के टायर्स आएंगे, जैसे मीडियम टू हार्ड, और इसमें अलग अलग तरीके के बायोम्स भी आएंगे, जैसे अभी प्लेन बायोम चल रहा है, फिर जंगल आएगा, फिर ओशन आएगा, और धीरे धीरे ये बेडरॉक ब्रेक होने लग जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इस बेडरॉक को माइन करता रहूंगा, इससे रिसोर्सेस निकालता रहूंगा, तो ये बेडरॉक कमजोर होने लग जाएगा और एक टाइम पे आके ब्रेक हो जाएगा। तो इसके ब्रेक होने से पहले मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीजें कलेक्ट करनी है, ताकि मैं अपनी चीजें जो है इन्फानाइट कर पाऊं। जैसे कि मैं एक कोबलस्टोन जनरेटर बना पाऊं, एक ट्री फार्म बना पाऊं, एनिमल्स पाल पाऊं, और अपना एक बढ़िया सा वर्ल्ड बना पाऊं जहां पे मैं सरवाइव कर सकूं और मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो। और साथ ही गाइस हम थोड़े बहुत डायमेंशंस भी ओपन करेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, जैसे कि मैंने अपने बेसिक टूल्स बना लिए हैं। और अरे यार अभी अभी एक पीगी आया था भाई, वो नीचे गिर गया। मुझे लगता है गाइस मुझे इस पे चिपका करके ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। मैंने थोड़े दूर दूर इसलिए लगाए थे क्योंकि इसमें से ज़ॉम्बीज वगैरह भी निकल ही आते हैं भाई, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मॉब मुझे अभी के अभी मार दे। यार अभी तो मेरा वर्ल्ड शुरू हुआ और मैं वैसे भी हार्डकोर में हूं, मेरे को दूसरा चांस मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर लगाया बेडरॉक से ब्लॉक्स को। तो इस वर्ल्ड में समटाइम्स मेरे को ब्लॉक्स मिलते हैं, जैसे डर्ट, सैंड, स्टोन वगैरह। कभी कभी मेरे को चेस्ट भी मिल जाती है, और इसमें कई बार लक्की चेस्ट भी होती है जिसमें आपको अच्छा सामान मिल सकता है। और हाँ, अभी तो भाई मैं डर्ट लेवल पे हूँ, मतलब अभी तो ये पहले डर्ट माइन करवाएगा, फिर स्टोन माइन करवाएगा, फिर आयरन, डायमंड, इस तरीके से इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। मतलब ये अभी इजी मोड पे, तो फिर धीरे धीरे हार्ड पे हो जाएगा, और मेरे को इसको ब्रेक करते रहना है, और ब्रेक करते करते आखिर में जाके ये भी टूट जाएगा बेडरॉक, और मेरे पास जो भी रिसोर्सेस होंगे उसी से ही मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा। लकीली मेरे को बहुत जल्दी एक वाटर ऑफ बकेट मिल गई। अब भाई एक लावा की बकेट भी मिल जाए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा यार मेरे को। माइन करते करते दिन रात कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। और एक बार तो मेरे को विलेजर की आवाज सुनाई दी भाई, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई विलेजर स्पॉन हुआ था कि क्या हुआ था, बट मुझे आवाज आई थी, पता नहीं क्या लॉजिक है यार, आई तो थी मुझे विलेजर की आवाज भाई 100%। और यहाँ पे भाई मैंने बेडरॉक को भी पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि यार काफी सारे एनिमल्स जो है ना स्पॉन हो रहे थे और वो नीचे गिर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको कवर कर देता हूँ, और थोड़ा बहुत कुछ फेंस वगैरह बनाऊंगा मैं, और अपने लिए एक सेपरेट जगह बना लूंगा जहां पे अगर कोई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन हो जाता है तो वो मेरे को मार नहीं पाएगा। एनिमल भी बचे रहे और मैं भी बचा रहा हूँ, कुछ ऐसे ही मेरे को ट्रैप या फिर कुछ एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ी देर में काउंटडाउन शुरू हो गया, मतलब मुझे लगता है गाइस अब एक नया फेस आने वाला है इस वर्ल्ड का। नया फेस मतलब अब स्टोन एज आने वाला है, अभी डर्ट एज चल रहा था। तो ये तो भाई ये तो डर्ट ही है यार, वो चूना लगा दिया। नया फेस क्या आया है, क्या इसमें ज़ॉम्बीज आएंगे या एनिमल्स आएंगे? ओके, अरे यार ये ग्रास कनेक्ट करने का फायदा हो गया, ये देख रहे हो बेडरॉक में ग्रास का ब्लॉक स्पॉन हुआ और उसने साइड वाले ब्लॉक्स को भी ग्रास में कन्वर्ट कर दिया। तो यार ये तो बहुत सही, अगर एनिमल स्पॉन नहीं भी होते तो मैं अपने यहाँ पे एनिमल स्पॉन करवा सकता हूँ। मेरे को काफी सारे लॉजिक पता है भाई माइनक्राफ्ट के जो वर्क करते हैं स्काई ब्लॉक में। फिलहाल तो मेरे को थोड़ा बहुत अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करना है, जो एनिमल्स वगैरह है वो यहाँ पे सेफली रह पाए और मैं अपना फार्म वगैरह भी बना पाऊँ। तो एक सैपलिन और एक टॉर्च तो मेरे को मिली गई थी भाई चेस्ट में, और भाई टॉर्च की वजह से थोड़ी सी रोशनी हो गई है, जो कि मेरे को रात में भी यहाँ पे फार्म करने में मदद करती है। और खाने के लिए मेरे पास थोड़ी एप्पल और थोड़े वाटरमेलन मिल गए हैं मुझे, बस एक बेड का जुगाड़ हो जाए ना भाई साहब।
तो यार ये रात स्किप हो जाएगी, रात को बड़ा डर लगता है यार, क्योंकि मैं अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करता जा रहा हूँ, यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह भी स्पॉन हो सकते हैं, स्कैली वगैरह भी स्पॉन हो सकते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे को इजीली मार सकते हैं, तो इस चीज़ का भी मेरे को ध्यान रखना होगा। और टॉर्च भी मेरे पास अभी एक ही है, और दूसरी टॉर्च मैं बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोबल स्टोन नहीं है जिससे कि मैं फर्नेस बना लूं और लोग से चारकोल बना लूं और चारकोल से टॉर्च बना लूं, तो भाई ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो चलो देखते हैं कितनी देर में स्टोन मिलता है मुझे। तो थोड़ी देर में यहाँ पे एक पिगी स्पॉन हो गया। अब भाई ये एक आशा की उम्मीद थी कि यहाँ पे मुझे और भी एनिमल्स मिल सकते हैं, तो अब मुझे इसको सेव करना है सबसे पहले। तो थोड़ी ही देर बाद मुझे एक काओ भी मिल गई। बस यार अब मेरे को ना जितने भी ज्यादा डर्ट निकाल सकूं ना, या जितने भी ज्यादा मैं ब्लॉक निकाल सकूं, अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करूंगा, यहाँ पे फैन से लगाऊंगा और इनके लिए एक एनिमल पेन बनाऊंगा, यानी कि एक एनिमल का बाड़ा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक शिप और दो चिकन भी पैदा हो गए। भाई मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि भाई यहाँ पे इतनी जल्दी मैं इतने सारे एनिमल्स इकट्ठा कर लूँगा। तो भाई मेरा जो एनिमल पेन है वो लगभग तैयार ही होने वाला है, बस मुझे थोड़े बहुत और रिसोर्सेस चाहिए। बट यार अभी तक जो दिक्कत वाली बात है ना वो ये है कि मेरे को लावा की बकेट नहीं मिली है। मतलब वाटर बकेट तो मेरे पास आ गई है बट लावा की बकेट नहीं मिली यार। मतलब अभी तक मैं कोबल स्टोन जनरेटर नहीं बना सकता और मुझे एक सिंगल स्टोन नहीं मिला अभी तक। थोड़ी देर बाद वही हुआ भाई जिसका मेरे को बहुत देर से इंतजार था, मतलब काउंट डाउन शुरू हो गया। अब ये नहीं पता भाई कौन सी एज आने वाली है, आई थिंक अब स्टोन एज आने वाली है। भाई बहुत मजा आने वाला अगर स्टोन एज आ गई तो, मतलब फिर मैं स्टोन के टूल फर्नेस और अपने लिए खाने का जुगाड़ भी कर सकता हूँ यार। अभी तक मेरे पास खाने का कोई अच्छा जुगाड़ नहीं है, बस एप्पल वगैरह है जो भी थी। अब जोन सा भी ब्लॉक था गाइस वो मुझे दिख नहीं रहा था, बट यार मुझे नहीं पता था कि इसमें फिर से डर्ट निकलेगी, लेकिन डर्ट के बाद यार मेरे को कुछ मतलब हार्ड महसूस हुआ, तो यार ये वही था यानी कि स्टोन। मतलब हम स्टोन एज में आ चुके हैं, लेट्स गो बॉयज। फिर थोड़ी देर बाद मैंने काफी सारे स्टोन माइन किए, मतलब मैंने अपने थोड़े टूल्स वगैरह भी बना लिए और मेरे को थोड़ा बहुत आयरन भी मिला। मतलब स्टोन एज में ही मेरे को आयरन मिलना था। और यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज हो गई भाई, मेरे को एक मशरूम काओ मिल गई। और ये आते के साथ ना भाई मेरे ज्ञान चक्षु, मतलब मेरा दिमाग इतना ज्यादा दौड़ने लग गया भाई, मेरे को खाने की अब कमी नहीं होने वाली थी। मतलब ये समझ लो कि मेरे पास इनफाइनाइट फूड आ चुका है। हो भाई साहब मेरी खेती का टाइम बच जाएगा यार इस काओ की मदद से, पैसा ही पैसा होगा। अब मैं अपने आइलैंड की चीज़ों को थोड़ा सही करने लग गया था क्योंकि मेरे पास पानी आ गया है, तो भाई अब मैंने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी शुरू कर लिया ताकि मैं अपने एनिमल्स को ब्रीड करवा सकूं। तो भाई मैंने इसके नीचे एक डर्ट लगा दी पानी डाल करके, ताकि भाई मेरे एनिमल इस पानी से नीचे ना गिर जाए यार, क्योंकि अब ये बहुत कीमती है मेरे लिए। और मशरूम काओ से मैंने मशरूम स्टू भी ले लिया भाई थोड़ा, और ये तो भाई अब अनलिमिटेड खाना है यार, अब मैं क्या ही बताऊं। बहुत सही चीज़ है यार मेरे, मतलब मैं सोच नहीं सकता था ये चीज़ भी होगी इस वर्ल्ड में। कई दिन गुजर चुके थे मेरे को माइन करते हुए, बट यार मैं सोया नहीं था रात को, तो अब मेरे पास आयरन था तो मैंने उसको पिंगला करके एक शेर बना लिया था। तो यहाँ पे कुछ शिप स्पॉन हो रखी थी, सोचा यार उनसे थोड़ी वूल ले लेता हूँ, अपने लिए कम से कम एक बेड ही बना लूंगा ताकि मैं नाइट को स्किप कर पाऊँ, क्योंकि यार रात को मैं काफी डरा रहता हूँ। मेरे इस आइलैंड पे कोई भी ज़ॉम्बी या कोई भी मॉब स्पॉन हो सकता है जो मेरे को बहुत दिक्कत दे सकता है। और हाँ मैंने चिकन्स को बाड़े में डाल दिया था क्योंकि मेरे पास सीड थे, बट मेरे पास वीट या कोई भी ऐसी कैरेट वगैरह नहीं थी कि मैं पिगीस इन सबको भी बाड़े में डाल पाऊँ। तो कोई ना भाई, देखते हैं इनको भी धीरे धीरे करेंगे अंदर। फिलहाल तो मैं सो गया भाई, बेड बिछा के बहुत अच्छा लगा मेरे को, पहली रात थी मेरी जिसमें मैं सोया था। फाइनली गाइस मेरा पहला ज़ॉम्बी भाई जो कि ब्लॉक में से निकला है, अब पता नहीं क्या क्या भी निकल सकता है गाइस। वीदर एंडर ड्रैगन, मैं तो भाई कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी निकल सकता है इस बेड रॉक में से। फिलहाल ये मेरा पहला ज़ॉम्बी था, पहला मॉन्स्टर हंट किया मैंने। चलो यार फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम बनाने वाले कुछ मशीनें। और हाँ यार मैंने अपने बाड़े को थोड़ा सा रीडिजाइन किया है क्योंकि यार मैं इसमें एनिमल्स को डाल ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास वीट वगैरह नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसको ना कुछ इस तरीके से डिजाइन करूं कि मैं इनको धक्का मार मार के भी एनिमल्स को अंदर कर सकूं। तो भाई जितने एनिमल्स को मैं डालने में सक्सेस हो पाया मैंने डाले इसके अंदर, बाकी वो बाहर घूम रहे, एक दो चिकन वगैरह काओ वगैरह पिगी वगैरह उनको बाद में देखेंगे। मैं कह रहा था भाई इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, अब एक नहीं अब दो दो ज़ॉम्बी निकलने लग गए भाई, अब अगली बार चार ना निकल जाए तो यार इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ मैंने अपने लिए एक अच्छा जुगाड़ कर लिया कि भाई ऐसा कोई भी खतरनाक मॉब निकलता है तो मैं अपना बचाव उससे कर सकता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि यार मेरे पास आर्मर वगैरह नहीं है, अगर मैं ट्रैप हो गया अंदर तो भाई खत्म है फिर सब कुछ, तो इस चीज़ का भी मेरे को जुगाड़ करना होगा। और अब मशीनों की भी तैयारी करनी है भाई क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करने वाला हूँ।
ये देखो गाइस, थोड़ी देर पहले मैं इसी ट्रैप की बात कर रहा था भाई। मैं ऐसे कई बार ट्रैप में फंस भी सकता हूँ यार, अगर कोई खतरनाक वाला मोब आ गया तो वो मेरे को फंसा के मार सकता है, क्योंकि मेरे पास आर्मर वार्मर नहीं है। एक लेदर की कैप मिली थी, वो मैंने पहन ली भाई ज़ॉम्बीज से, बट यार ये इनफ नहीं है आर्मर, मुझे एक अच्छा आर्मर चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ऑटोमेटिक मशीन बनानी पड़ेगी। देखते कि मैं ऑटोमेटिक मशीन में पहले क्या बना सकता हूँ। और अब तो धीरे धीरे ये बेडरॉक भी ब्रेक होने लग गया है, मतलब मेरे पास थोड़े ही रिसोर्सेस बचे हैं, बता नहीं कब में खत्म हो जाए। तो इसको भी मुझे ध्यान में रखते हुए फटाफट मशीनें तैयार करनी होंगी। फटाफट मैंने ब्लॉक्स को माइन करना शुरू किया, क्योंकि अब मेरे को इसी वाले फेस का इंतजार था। अब ये जो फेस आया है ना, मतलब ये जो डिफिकल्टी आई है, इस डिफिकल्टी में मेरे को कॉपर रेडस्टोन सब मिलने वाला है। और जैसे मेरे को कॉपर रेडस्टोन मिला तो मैंने अपनी मशीन बनाना शुरू करी, और मेरी पहली मशीन थी द एक्सट्रैक्टर। अब ये मशीन क्या होने वाली है भाई, भाई जो मशीन है ना ये बहुत तगड़ी मशीन है, और ये मतलब इतनी एफिशिएंस तो नहीं है क्योंकि अभी बेसिक मशीन है भाई, जितना मेरे पास रिसोर्सेस था उससे तो यही बन रही थी। फिलहाल ये एक बेसिक सी मशीन मैंने बनाई है, इससे मैं बहुत सारे और जनरेट करने वाला हूँ, मतलब जितने ओर्स मैं वहाँ बेडरॉक से निकाल रहा हूँ ना उसके डबल मैं इससे निकाल सकता हूँ। बट यार इस मशीन की एक बैड थिंग ये है कि इसके लिए मेरे को स्टोन्स चाहिए, क्योंकि ये स्टोन में से मिनरल्स निकालती है। तो जितने भी स्टोन्स मेरे पास थे मैंने यूज कर लिए भाई, जितना उनसे मटेरियल मुझे मिल सकता था मुझे मिला। बट यार एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मेरे को लावा की बकेट नहीं मिली है, मतलब अभी तक मेरे पास कोबल स्टोन जनरेटर नहीं है। तो मेरे जितने भी स्टोन्स डिपेंड है वो हैं उस बेडरॉक पे, मतलब मैं बेडरॉक से जितने ज़्यादा स्टोन निकाल सकता हूँ उनसे ही मुझे मटेरियल्स मिलेंगे, उनसे ही मुझे ओर्स वगैरह मिलेंगे। अगर यार मेरे पास कोबल स्टोन जनरेटर का जुगाड़ हो जाए ना, तो भाई साहब मैं तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी क्रेट की मशीनें, ऑटोमेटिक ट्रेन, ऑटोमेटिक कोबल स्टोन जनरेटर, ऑटोमेटिक आयरन फार्म, ऑटोमेटिक गोल्ड फार्म, ऑटोमेटिक कॉपर फार्म, मतलब मैं सभी चीजों को ऑटोमेटिक कर दूं, यहाँ तक कि मैं मूवमेंट होने वाला घर भी बना लूं अपना। बट भाई कहते हैं ना कि एक अच्छी और ट्रू प्रोग्रेशन के लिए मेहनत लगती है, तो कोई ना उस मेहनत के हम ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब हैं। और अब मैं अपनी मशीनें बनाना जल्दी जल्दी शुरू करूंगा, जितने ज्यादा मटेरियल हो सके मैं इकट्ठा करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा भाई। अब जब तक आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, यार लाइक कोई भी नहीं करता भाई, पता नहीं क्या चल रहा है यार, अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए ना, एक तो लाइक कर दो भाई, इतनी मेहनत करता हूँ यार। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो। अब मेरे को पता चल चुका था कि उस छोटी मशीन से कुछ नहीं होने वाला भाई, ना ही मेरे पास कोई कोबलस्टोन जनरेटर है कि मैं फटाफट से कोबलस्टोन तैयार करूं और फिर उनसे मिनरल्स निकाल लूं जैसे कि हमारे ओर्स हैं, बट यार नहीं हो पा रहा था उस एक्सट्रैक्टर से। तो यहाँ पे मैंने एक माइनर क्राफ्टर तैयार करा जिसको बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त चीजें थी। मैं सोचने लग गया यार इससे कैसे माइन करूंगा मैं, मैंने उसमें पिकैक्स रखे थे बट कुछ नहीं हुआ। मैं वहां पे एक रेसिपी बुक थी उस पर जब क्लिक किया ना, तब मेरे जो दिमाग है भाई पूरा ब्लो अप हो गया कि मैं इस मशीन से क्या नहीं कर सकता भाई, मैं इस मशीन से सब चीज़ें माइन कर सकता हूँ, बट इसको ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा, और जिसके लिए मेरे को शुरू शुरू में थोड़े बहुत रिसोर्सेस भी लगेंगे। जैसे कि मैं एक सिंपल मशीन बनाने के लिए मेरे को स्टैक्स ऑफ आयरन, स्टैक्स ऑफ कॉपर, स्टैक्स ऑफ गोल्ड, मतलब सब चीज़ें स्टैक्स में चाहिए, तो भाई ये चीजें मैं कहाँ से लेके आऊंगा, बेडरॉक तो खत्म होने पे आ गया है बिल्कुल, तो मैं कैसे माइन करूंगा भाई, इसका भी सोल्यूशन है इसमें। तो चलो पहले तो भाई अपनी एक छोटी सी मशीन बना के देखते हैं कि मैं पहले कौन सी माइनर बनाने वाला हूँ। मैंने फटाफट जितने रिसोर्सेस हो सके बेडरॉक से निकालना शुरू कर दिया ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस मिल सके माइन बनाने के लिए। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को ज्यादा रिसोर्सेस नहीं मिल रहे बेडरॉक से, तो मैंने सोचा कि चलो अब एक डायमेंशन को ओपन किया जाए। मैं ओपन करने वाला हूँ माइनिंग डायमेंशन। यस गाइस, वैसे ये डायमेंशन मेरे को पहले ही ओपन कर लेना चाहिए था, मैं सोच रहा था कि मेरा आर्मर वगैरह बन जाए ताकि मैं सुरक्षित यहाँ पे माइन कर पाऊँ, क्योंकि यार वो जो डायमेंशन होता है थोड़ा खतरनाक होता है, वहाँ पे हर तरह के मॉब्स होते हैं और ये हार्डकोर वर्ल्ड है तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है भाई। तो चलो टॉर्च वगैरह थोड़ी तैयारी करके चलते हैं माइनिंग डायमेंशन में, थोड़ी आसपास से चीज़ें माइन कर लेते हैं, और मैं टॉर्च वगैरह लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई मॉब वगैरह स्पॉन ना हो। Three, 28
AM. So finally guys, अब मेरा पहला माइनर बनाने के लिए मेरे पास सारे की सारी चीजें हो चुकी है। तो अब भाई जो इसमें पहला माइनर है ना, वो बनेगा कोल माइनर। वैसे गाइज इसमें मैं डायरेक्ट आयरन वाला भी बना सकता हूँ, लेकिन इसको यार टीयर वाइज बनाना पड़ता है, मतलब इसको एक लेवल से बनाना पड़ेगा। जो माइनर पहले बन रहा है ना, उसको ही पहले बनाना पड़ेगा। जो दिखने में यार क्या कूल लगता है ये, मतलब एक तरह का छोटा सा बिल्ड है जिसके अंदर हम पावर भी दे सकते हैं। तो भाई इसको पावर मिलती है कोल से, और ये कोल ही फैक्ट्री है, मतलब ये कोल ही प्रोड्यूस करेगी, मतलब कोल से कोल निकलेगा। और यहाँ पे भाई मुझे इसमें एक अपग्रेड बना के डालना पड़ेगा पिकेक्स का, जिससे कि ये माइन करना शुरू कर देगा और ये अनलिमिटेड कोल देगा, और ये एक तरह से ना सिल्क टच कोल के ओर देगा मुझे, जिनको मैं तोड़ करके कोल के ओर निकाल सकता हूँ। वैसे इसमें क्रशर भी बनता है, मैं एक क्रशर भी बनाऊंगा जिससे कि मुझे सिल्क टच वाले ओर्स मिलेंगे ना, उनको मैं जब क्रशर में डालूंगा तो वो मुझे डबल ट्रिपल करके मिलेगा, मतलब एक तरह से वो क्रशर फॉर्चून का काम भी करता है। तो भाई अब मेरी चीज़ें ऑटोमेटिक बनने वाली है, और मेरी पहली शुरुआत कोल फैक्ट्री से हो गई है, यानी कि कोल माइनर से। जब तक मेरा कोल माइनर थोड़े बहुत कोल्स निकालता है, तब तक मैंने बाकी के माइनर्स बनाने के लिए भी चीज़ें यहाँ पे बना ली हैं। दूसरी चीज़ मेरी बनने जा रही है यहाँ पे ओर स्मेल्टर। अब मेरे को एक क्रशर भी बनाना है भाई। ये देखो, ये जो ओर स्मेल्टर है ना, मैं इसमें किसी भी तरह का ओर डालूंगा ना तो वो स्मेल्ट हो जाएगा और मेरे को डबल ट्रिपल करके मिलेगा। तो यार ये चीज़ भी बहुत सही है, मतलब मेरे को अब फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ यार, फर्नेस की जरूरत पड़ सकती है, इसमें ओर्स पकेंगे ना, खाना थोड़ी पकेगा। अच्छी बात ये है कि भाई ये भी कोल से ही चलता है। और यहाँ पे देखो भाई, एक्टिवेटर डालने के बाद कोल फैक्ट्री ने क्या फटाफट कोल बनाना शुरू कर दिया है। और हाँ यार, ये कोल्स को नहीं स्मेल्ट कर रहा। वैसे यार, कोल्स को स्मेल्ट कैसे करेगा यार, लॉजिकली तो कोल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो कोल मिलेगा। और ब्रेक करने के लिए मैं क्रशर भी बना सकता हूँ, मतलब क्रशर में ये काम करेगा। और यहाँ मेरा क्रशर बन के भी तैयार है भाई। अब मेरी चीज़ें ना ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, बट अभी भी ऑटोमेटिक नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक मेरे पास सिर्फ कोल की माइनर है, एक स्मेल्टर आ गया, एक क्रशर आ गया। बट यार अभी भी मेरे को ना रिसोर्सेस माइन करके लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आयरन का माइनर नहीं है। और जब तक आयरन का माइनर नहीं आएगा, मैं क्रिएट मोड की चीज़ें नहीं बना सकता, जैसे कि स्टीम इंजन, रेल, या फिर ऑटोमेटिक कोबलस्टोन जनरेटर एंड वगैरह 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 जो भी है। तो मेरे को आयरन की फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी। तो चलो यार, देखते हैं फटाफट मैं कितनी फैक्ट्रियां लगा सकता हूँ। मतलब यार, इन सब माइनर्स को बनाने के लिए ना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो मेरे को माइनिंग डायमेंशन में जाकर के लाना पड़ता है, और वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है भाई। बट क्या हुआ गाइस, रिस्क है तो रिस्क है। मेरे पास थोड़े बहुत पाइप रखे हुए, तो मैंने सोचा यार, मैं यहाँ पे ना मैनुअली जाके कोल डालता हूँ, क्यों ना यार मैं पाइप से इनको ऑटोमेटिक कर दूं, ताकि इनके अंदर ऑटोमेटिक कोल जाता रहे। और भाई मैं इनको ना इतना ज्यादा ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ कि कोल की फैक्ट्री से कोल निकलेगा, क्रशर में आएगा, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, फिर वापस से कोल की फैक्ट्री में जाएगा, वो जैसे कि कोल की फैक्ट्री चलती रहेगी इन्फानाइट, और बाकी सारी मशीनों में भी ये कोल पहुंचाती रहेगी, ताकि वो भी चलती रहे। क्योंकि यार ये सारे की सारी मशीनें ना बिजली से नहीं चल रही, ये कोल से चलती है। तो भाई इतना ऑटोमेटिक तो मैं इनको अभी भी कर सकता हूं, क्योंकि यार पाइप से ही हो जाएंगी ये सब चीज़ें। बस पाइप को मेरे को थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ेगा। और यार अभी ना मैं पाइप के फिल्टर्स नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास आयरन, गोल्ड और डायमंड, ये तीन चीज़ें चाहिए होती है पाइप के फिल्टर्स बनाने के लिए। अगर मैं इन पाइपों के फिल्टर बना पाया ना भाई, सच में ये इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगी ये मशीनें, कि यार मैं चाहूँगा ना ये जिस तरीके से चले, ये उसी तरीके से चलेंगी। और जितना सामान इनमें आना चाहे और जाना चाहे, क्या नहीं आना चाहे, क्या नहीं जाना चाहे, वो सब चीज़ मैं फिल्टर करके इनको भेज सकता हूँ। भाई सच में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। क्रिएट मोड की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, जिसमें मैं ट्रेन वगैरह चलाने वाला हूँ, घर वगैरह को मूव करने वाला हूँ भाई अपने, और जो कि अभी मैंने बनाया नहीं अपना घर। अभी इन मशीनों को मैंने तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यार मैं ना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी ना ऑर्गेनाइज तरीके से रहे, क्योंकि यार मैं ये एक आइलैंड बना रहा हूँ जो कि मेरा घर होने वाला है, और ये जो ज़मीन है इसके नीचे कोई लेयर नहीं है। मतलब यार ये टूटी या फिर यहाँ पे कुछ भी हुआ ना, कोई बॉम्ब फटा या क्रीपर स्पॉन हो गए, फट ही जाए गलती से, तो ये सब कुछ चीज़ें ना नीचे गिर जाएंगी, और ये बहुत मेहनत की चीज़ है यार, तो मैं इनको ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता। तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें कि मैंने डीप स्लेट की ब्रिक्स यूज़ करी है, जो कि मैं माइनिंग डायमेंशन से लेके आया था डीप स्लेट, और यहाँ पे मैंने एक स्टोन कटर बना लिया था, तो उससे डिज़ाइन निकल गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से लगाने वाला हूँ कि ये सारी के सारी ऑर्गेनाइज रहे। हाँ वो बात अलग है भाई, मैंने थोड़ी लकड़ी का भी यूज़ किया, ये जल सकती है, बट सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी ब्रिक्स भी लगाई है, ताकि एटलीस्ट अगर ये प्लेटफॉर्म जल भी जाए तो मेरी ये जो मशीनें हैं ये सेफ रहे, क्योंकि मैं इनको ब्रिक्स के ऊपर लगा रहा हूँ। और अब इनको ऑटोमेटिक भी करेंगे, क्योंकि यार मेरे पास पाइप है, तो इनको ऑटोमेटिक भी
कर सकते हैं, बट यार अभी तक मेरे को लावा नहीं मिला है। अगर मेरे को लावा भी मिल जाए ना, तो यार मैंने जो एक्सट्रैक्टर बनाया था ना, उसको भी मैं ऑटोमेटिक कर दूं यार। इतना दिमाग मेरे चल रहा है, बिल्कुल एकदम दौड़ रहा है अब मेरा दिमाग। तो चलो देखते हैं यार, अब मैं अपनी नेक्स्ट मशीन क्या बनाने वाला हूं और मेरे को किस चीज की कमी आ रही है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी मशीन बनाऊंगा। फिलहाल तो यार मेरे को माइनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यार मेरे को अभी बहुत सारा ना रॉ आयरन निकाल के लाना है, रॉ कॉपर निकाल के लाना है, ताकि मैं अपनी अगली मशीनें बना सकूं जिसमें पूरा एक स्टैक आयरन का लग रहा है, रो आयरन का। तो भाई उसको माइन करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है, जो कि मैं ये स्टोन की पिकेक से निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो शायद मैं कोई एक माइनिंग मशीन बना पाऊं क्या, इसमें ऐसा कुछ है? चलो देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो ये थोड़ी देर पहले कोबलस्टोन के लिए रो रहा था, और अब ये स्टोन से एक्सट्रैक्टर से सामान निकाल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो यस गाइस, मैंने एक ऐसी मशीन बना ली है जिससे कि मैं सिल्क टच हर एक ओर को माइन कर सकता हूँ। तो चलो गाइस, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने नए बीस्ट से, जिससे कि मैं माइन कर रहा हूँ माइनिंग डायमेंशन में, और अब मेरे को पिकेक्स की भी जरूरत नहीं है। तो ये है गाइस मेरी वो मशीन, इसको आप जेसी भी बोल सकते हो भाई, क्योंकि ये इतनी तगड़े तरीके से माइन करता है भाई ओर्स को। बस इसको चलने के लिए कोल चाहिए होता है, और मैं काफी सारा कोल लेके आया हूँ, और ये मेरे पास इतने सारे स्टोन इकट्ठा कर देता है ना भाई, कि मेरे को आधे स्टोन को ना जलाना पड़ता है यार, क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री का इश्यू पड़ जाता है। और सामने एक भाई ये पूरी की पूरी दीवार को माइन कर रहा है, और यहाँ से मेरे को काफी सारे रो आयरन मिल सकते हैं, जिनको मैं क्रशर में डाल के डबल कर सकता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट माइनर बहुत जल्दी बन जाएगा गाइस। तो चलो देखते हैं कि भाई मैं कितने सारे आयरन लैपिस या जो भी मेरे को मटेरियल मिलते हैं यहाँ से इकट्ठा कर पाता हूँ, ताकि मैं अपना अगला माइनर बना सकूँ, और मेरे को बार बार माइनिंग डायमेंशन में ना आना पड़े। मैं अपनी सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ, और इससे ना एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गई कि मेरे को यहाँ से एंड साइट भी मिल रहा है, और एंड साइट को मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लूँगा, क्योंकि भाई जो हमारा क्रिएट मोड की चीज़ें हैं ना, उसके लिए हमें एंड साइट ही चाहिए होता है, जिससे कि शाफ्ट वगैरह बनता है, और उस शाफ्ट से हम कोग व्हील वगैरह, वाटर व्हील वगैरह, एक काइनेटिक एनर्जी की सारी चीजें बना सकते हैं। और भाई एक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये भी आप लोगों को समझाऊंगा मैं। बस थोड़ा सा और मैं यहाँ से सामान इकट्ठा कर लूं, ताकि मेरे को बार बार ना आना पड़े यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि भाई आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी बड़ी टनल खोद के रख दी है भाई इस मशीन ने, और इस मशीन को हल्के में मत लेना भाई, ये बनानी बहुत आसान थी, बट ये काम बहुत तगड़ा करती है। और अब इसमें जो कोल है वो खत्म हो चुके हैं, अगर भाई मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास सिर्फ 11 कोल बचे हैं, और यहाँ पे देखो भाई कितना सारा मटेरियल, कितने सारे आयरन, कितना सारा कॉपर, गोल्ड, और यहाँ तक कि इसने एक एम्ब्रल्ड भी निकाला है। एम्ब्रल्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे? आई डोंट नो, आ गया होगा शायद। और उसके अलावा गाइस, मैंने यहाँ पे ना एक ट्रैश कैन लगा दिया है भाई, और ट्रैश कैन में मैंने एक एडवांस पाइप फिल्टर डाल दिया, जो कि डायमंड से बनता है। मेरे को डायमंड भी मिल गए थे गाइस, इसी मशीन ने माइन करके दे दिए थे, मैंने नीचे भी लगा के देखी थी माइन, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो भाई यहाँ पे चलो, ऊपर तो खैर मेरे को डायमंड नहीं मिले, बट मेरे को जो ऊपर मेन चीज चाहिए थी यानी कि आयरन, वो मेरे को मिल गया है। तो फिलहाल मैं अभी इसमें से आयरन और कॉपर निकाल लेता हूँ, और ये जो बाकी का जो मटेरियल है ना, यानी कि ये जो ग्रेवल और एंड साइट है, ये मैंने भाई यहाँ पे बचा के इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि इसका काम आने वाला है जब हम क्रिएट मोड की चीज़ें बनाएंगे ना, तब इसका काम आने वाला है। फिलहाल मेरी आखिरी प्लेट स्टू की थी भाई, मतलब जो मशरूम स्टू था वो भी ख़त्म हो गया है मेरा, तो बहुत सही टाइम पे खत्म हुआ। तो चलो घर की तरफ निकलते हैं, अब सुबह ही काम करेंगे, रात हो रखी है फिलहाल तो। और यहाँ पे भाई मेरे पास थोड़ा बहुत वीट जो वो ग्रो हो गया था, जिससे कि मैंने यहाँ पे मशरूम काव को जो है ब्रीड किया था, और भाई यहाँ पे मेरे पास दो तीन मशरूम काव हो चुकी है। नाइस, चलो ठीक है। फिलहाल यार जब से मेरे पास ये मशरूम काव आई है ना, मेरे को तो भाई ऐसा लगता है कि मुझे खाने का कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे पहले मैं क्रशर में डालना चाहूँगा भाई, क्रशर कहाँ गया, ये रहा, तो यहाँ पे मैं क्रशर में डालना चाहूँगा। तो भाई एक स्टैक से देखते हैं कितना निकलता है। तो गाइस लगभग एक स्टैक से मेरे को डेढ़ स्टैक से भी ज्यादा, ओ इसके अंदर आ गया था क्या, ओके तो अबे तीन स्टैक मिला मुझे एक स्टैक से। तो चलो गाइस, अबे जितना भी आयरन है इस सब का मैं रो आयरन बनाने वाला हूँ। एक स्टैक से तीन स्टैक मिल रहा है भाई, बहुत सही है यार। अब मेरी आयरन वाली माइनिंग मशीन भी बन जाएगी भाई। कॉपर को तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकाल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाई 9 स्टैक मिला मुझे एक कॉपर के ओर से। मतलब ये जो एक स्टैक है ना रो कॉपर का, इससे भाई मेरे को 9 स्टैक मिला भाई। कॉपर तो बहुत तगड़ी क्वांटिटी में निकलता है यार।
ओके गाइस, तो भाई एक और नई सुबह, तो सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये वाली मशीन जो है मैंने पूरी ऑटोमेटिक कर दी और जितने भी ओर वगैरह हम माइन करके लेके आए थे वो सबके सब यहाँ पे निकल चुके हैं, मतलब क्रश हो चुके हैं इस क्रशर में। और उसके अलावा भाई इन सब चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑटोमेटिक कर दिया है, मतलब जैसे कि यहाँ पे स्मेल्टर है, मैं आप लोगों को स्मेल्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, तो जितना भी आयरन स्मेल्ट होगा ना वो सारा का सारा चेस्ट में आ जाएगा। मतलब आयरन को तो भाई मैं 10 गुना 20 गुना 30 गुना करने वाला हूँ। अब मैं जो अगली चीज़ बनाने वाला हूँ ना, वो बनाने वाला हूँ कॉपर का माइनर और आयरन का माइनर। ओके गाइस, तो भाई मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें इकट्ठी हो गई है जिन जिन चीज़ों से मेरे को सामान खरीदना है। तो यहाँ पे जो टीनी शार्ड है ना भाई, देखो ये यहाँ पे काम आता है। तो देखो अब मैं पहले तो एक आयरन वाली खरीदने वाला हूँ माइनर, और फिर एक कॉपर वाला खरीदने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं खरीदता हूँ एक आयरन का माइनर, लेट्स गो। तो ये देखो गाइस, बाकी के मेरे जो आयरन है वो बच गए हैं, और अब मैं कॉपर का ख़रीद लेता हूँ। ये आ गया कॉपर का, और अब एक लैपिस का भी ले लेता हूँ, और उसके बाद एक रेड स्टोन का भी ले लेता हूँ, लेट्स गो। तो इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसमें भी भाई कोल का जो सिस्टम है वो लगाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ से सब में कोल जा रहा है। और यार वो चेस्ट ना थोड़ा पीछे हो गए, तो उस चेस्ट को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या फिर मुझे ऐसे घूम के आना पड़ेगा इसमें कोल डालने के लिए। यहाँ पे रेड स्टोन, यहाँ पे लैपिस, यहाँ पे कॉपर। सो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप किया है भाई, और मैं अपने बेस को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ की तरफ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से और पाइप बिछा देता हूँ जिनके अंदर कोल आएंगे, क्योंकि यार मैं यहाँ पे ना और भी मशीनें लगाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई कॉपर की लगा दी है, आयरन की लगा दी है, और इनमें एक्टिवेटर भी डाल दिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास कॉपर आना शुरू भी हो गया। और इसके अंदर मैं बेसिक पाइप अपग्रेड डाल देता हूँ जिससे कि इसकी स्पीड जो वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब इतनी भी ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी आयरन वाले भाई डायमंड मेरे ख़त्म हो गए थे यार। तो देखो ये यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड के बना लिए थे, तो मेरे डायमंड ख़त्म हो गए, तो मेरे को डायमंड का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई बहुत जल्दी। और यहाँ पे अभी भी टीनी शार्ड निकल रहे हैं यार। ओके यहाँ पे स्मॉल एंसेंट शार्ड भी निकल गए हैं। अब इस स्मॉल से ना मैं अगली चीज़ खरीद सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं ग्लोस्टोन की फैक्ट्री लगा दूँ, या फिर मैं यहाँ पे लैपिस की या रेड स्टोन की लगा दूँ, जिससे कि मेरे को स्मॉल एंशेंट शार्ड मिल जाएंगे। और ये स्मॉल एंशेंट शार्ड से मैं यहाँ पे गोल्ड की माइनर लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है रॉ में। और उसके अलावा मैं यहाँ पे स्मॉल एंशेंट शार्ड से ब्लॉक ऑफ क्वार्ज भी लगा सकता हूँ, बट भाई क्वार्ज अब लगाने के लिए ना मेरे को नेदर लैंटेन बनाना पड़ेगा, और नेदर लैंटेन बनाने के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी खर्चा लगेगा, क्योंकि यार इसको बनाने के लिए ना यहाँ पे मेरे को एक चीज़ चाहिए होगी, एक तो क्वार्ज चाहिए होगी, और एक ग्लोस्टोन चाहिए होगा, और एक सोल लालटेन चाहिए होगी, और सोल लालटेन के लिए सोल टॉर्च चाहिए होगी, और सोल टॉर्च आप लोगों को पता भी सोल सैंड से या फिर सोल सोयल से बनेगी, और यहाँ पे मेरे पास नेदर नहीं है। मतलब यार मेरा अभी तक नेदर ओपन नहीं हुआ, क्योंकि यार मेरे को अभी तक ऑप्सीडियन नहीं मिला है, और भाई जब तक ऑप्सीडियन नहीं मिलेगा जब तक मैं नेदर खोल नहीं सकता, और मुझे तो पता भी नहीं कि इस वर्ल्ड में नेदर है भी क्या नहीं है। क्या मैं ऑप्सीडियन बना सकता हूँ? ओके मैं ऑप्सीडियन बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी यार मेरे को लावा की बकेट चाहिए होगी। पानी तो मेरे पास इन्फानाइट है, पानी तो मैंने इन्फानाइट बना लिया है। अबे शिट, मैंने पानी इन्फानाइट नहीं बनाया मेरी। ओके गाइस, ओ भाई मैं बच गया यार, मैं डर गया था यार, क्योंकि मेरी पानी के बकेट पता नहीं कहाँ भाई। तो चलो यार पानी को इन्फानाइट बना लेते हैं सबसे पहले, तो लेट्स गो गाइस। तो अब मेरे पास पानी जो है वो इन्फानाइट हो चुका है, अगर मेरे को लावा भी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। क्या मैं किसी तरीके से लावा बना सकता हूँ? ओके गाइस, मैं यहाँ पे इन्फानाइट लावा बना सकता हूँ। पता है कैसे? मैं माइनिंग डायमेंशन में जा करके थोड़ा सा लावा ला सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने लावा बहता हुआ देखा था। लेट्स सी मुझे मिलता है क्या नहीं। अरे भाई वापस चलते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारा आयरन वगैरह हो चुका है यहाँ पे, तो क्यों ना अपने लिए एक आर्मर वगैरह बना लूँ मैं। फिलहाल मेरे पास पूरा आर्मर का सूट आ चुका है, तो भाई बहुत सारा प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा इससे। थोड़ी सी टॉर्चें भी बना लेता हूँ। तो चलो गाइस लावा ढूंढते हैं माइनिंग डायमेंशन में, और अभी तो भाई मैं थोड़ा प्रिपेयर भी हूँ। और गाइस लावा ढूंढने के लिए ना मैं एक चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ,
मेरे पास फ्री कैम है, क्या मैं फ्री कैम यूज कर सकता हूँ? ओके गाइस लेट्स गो, यहाँ पे देख रहे हो गाइस, मैं फ्री कैम यूज कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पे भाई, देखो मैंने माइन किया था और यहाँ पे मेरे को एक डायमंड भी मिला था, तो वहीं चलते हैं ना, लेट्स गो। ओके गाइस, तो भाई फ्री कैम ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दिया। तो फिलहाल मैं अभी अपनी नीचे वाली माइन में जाने वाला हूँ जो मैंने बनाई थी यहाँ पे, और यहीं पर ही मेरे को डायमंड भी मिला था। तो डायमंड कहाँ था मेरा? ओके ये रहे डायमंड, और मेरे को लावा भी मिल गया, लेट्स गो। अब इस एक लावे से देखो गाइस मैं कितना सारा लावा बनाता हूँ। अगर मेरे को ड्रिप स्टोन मिल जाए ना, ओके मेरे को ड्रिप स्टोन नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पर भी, अगर होगा भी तो आई थिंक वो दूसरे बायोम में होगा। तो फिलहाल मैं ऊपर घर पे जाने वाला हूँ, वैसे यहाँ पे इनफ लावा है अगर मैं ऑब्सीडियन बनाना चाहूँ तो, बट यार मेरे को आगे जाके भी लावा की जरूरत पड़ सकती है, तो मेरे को इन्फिनाइट लावा बनाना पड़ेगा जो कि मैं बना पाऊंगा ड्रिप स्टोन से। तो चलो भाई पहले ड्रिप स्टोन बनाते हैं ऊपर चल के। तो ड्रिप स्टोन बनाने के लिए मेरे को क्ले चाहिए होगी, तो सबसे पहले क्ले निकाल लेता हूँ। कितना क्ले है मेरे पास? ओके क्ले है मेरे पास। उसके अलावा मेरे को मड चाहिए होगी, और मड बनाने के लिए मेरे को डर्ट चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा। ओ भाई अब क्रिएट मोड बनाने का टाइम आ गया है गाइस, लेट्स गो। मेरे को अब मशीन बनानी पड़ेगी, और मशीन के लिए सबसे पहले मेरे को वाटर व्हील बनाना पड़ेगा, और वाटर व्हील बनाने के लिए मेरे को शाफ्ट बनाना पड़ेगा, शाफ्ट के लिए मेरे को एंड साइट अलॉय बनाने पड़ेंगे, और एंड साइट बन जाते हैं एंड साइट पत्थर से और आयरन नगेट से। लेट्स गो बनाना शुरू करते हैं भाई। तो मेरे पास काफ़ी सारे एंड साइट आ गए हैं, लगभग 2 स्टैक के करीब आ गए हैं मेरे पास। अब बना लेते हैं वाटर व्हील, और भाई इस वाटर व्हील को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं बड़े वाले वाटर व्हील में, लेट्स गो। और भाई इसको मैं लगाने वाला हूँ, कहाँ लगाऊँ मैं इसको, ओके गाइस तो वाटर व्हील हमारा लग गया है। अब इस पे पानी डालना है हमें, ओके गाइस तो भाई हमारा जो वाटर व्हील है वो चल गया है। अब बस मुझे यहाँ से पेड़ों की सफाई करनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस व्हील को कुछ ज्यादा ही ऊपर लगा दिया है। तो व्हील गाइस हमारा लग गया है, बाकी की चीजें भी चलिए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले तो ये शाफ्ट है, इससे मैं इसको थोड़ा आगे तक लेके आता हूँ, ये लो। अब मेरे को गियर वगैरह कोक व्हील वगैरह बनाने पड़ेंगे भाई। अब गाइस मैं इस कोक व्हील की जो थोड़ी स्पीड है ना वो बढ़ाने वाला हूँ, बट मैं इसको पहले थोड़ा सा डिज़ाइन दे दूँ। पहले लगेगा छोटा कोक व्हील, फिर इसके ऊपर लगेगा बड़ा कोक व्हील, फिर साइड में आएगा छोटा कोक व्हील, अब इसके ऊपर आएगा बड़ा, देन यहाँ पे साइड में छोटा, देन अगेन बड़ा। तो अब ये जो इसकी स्पीड है ना वो पहले से बेटर हो गई है, मतलब पहले से ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ गई है। और भाई हाँ थोड़ी सी वॉल बना लेता हूँ स्टोन्स की, ये वॉल यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हुआ चलूँगा, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मतलब हवा में नहीं लटक रहा, थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लगेगा, तो ये सही है। ठीक है अब मैं अपनी यहाँ पे मशीनें लगाना शुरू करता हूँ। मुझे लगता है गाइस मुझे ना यहाँ से ये क्राफ्टिंग टेबल हटा करके यहाँ कहीं लगानी पड़ेगी। ओके गाइस तो चलो भाई यहाँ पे मेरी 2-3 मशीनें बन गई हैं, चला के देखते हैं इनको, लगा के देखते हैं। सबसे पहली मशीन जो मैं चलाना चाहूँगा, मैंने गलत गियर बॉक्स लगा दिया है, इसको वर्टिकल करना पड़ेगा पहले तो। ओके अरे यार फिर से गलत जगह लग गया, यहाँ लगेगा और इसके नीचे लगेगा कोक व्हील, और कोक व्हील पे ही जस्ट ये लगेगा हमारा मिक्सचर, और इसके नीचे लगेगा बेशन, और यहाँ पे लगेगा हमारा मशीन प्रेस मशीन यहाँ पे, और प्रेस मशीन के नीचे लगेगा हमारा डिपो
ऐसे। तो हमारी दो मशीनें तैयार हो गई है बेड में। अब मैं यहाँ से हटा लेता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे अब बेड का कोई काम नहीं है। बेड मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इन्फानाइट वाटर के पास। तो हमारी क्रिएट मोड की दो चीज़ें लग चुकी है, यानी कि बेशन बन गया है और प्रेस मशीन लग गई है। तो चलो भाई अब मैं अपनी चीज़ बनाने वाला हूँ, यानी कि ये ड्रिप स्टोन। तो इसको बनाने के लिए पहले मेरे को मड बनानी पड़ेगी। मड के लिए वाटर चाहिए होगा और डर्ट चाहिए होगी। तो चलो मेरे को दो मड बनानी है, दो मड में हमारा काम हो जाएगा। पानी लो, पानी डालो, डर्ट डालो और इसने मड बनाना शुरू कर दी। लेट्स गो। एक बन गई, हाँ दोनों बना दी। ओके दोनों बन गई है मड, लेट्स गो। और अब चाहिए थी मेरे को यहाँ से क्ले, और इससे बन जाएगा हमारा ड्रिप स्टोन। और ये रहा भाई पॉइंटेड ड्रिप स्टोन, लेट्स गो। और अब इससे मैं बना सकता हूँ इन्फानाइट लावा। तो लावा मैंने डाल दिया है, आई होप कि यार ये जो लावा है ये नीचे निकले और ये, ओ देखो टपक रहा है लावा, लेट्स गो। मतलब काम हो गया भाई, काम हो गया। अब मेरे को बस एक कूल ड्रोन बनाना है, कूल ड्रोन से काम हो जाएगा अपना, लावा इकट्ठा हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। ओके ये बन गया कूल ड्रोन, लेट्स गो। अब अपने पास अनलिमिटेड लावा है भाई, और इस लावा से देख रहे हो ये लावा इकट्ठा होना शुरू हो गया इसमें भाई, लेट्स गो। मेरे पास स्मॉल एंशेंट शार्ड आ चुके हैं और गोल्ड भी है मेरे पास। ये रहा 6.5 hours later। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बदलाव किए हैं भाई, जैसे कि मैंने इस वाली जगह को थोड़ा सा बढ़िया कर दिया और थोड़े बहुत और ट्री उगा करके मैंने काट लिए। और यहाँ पे देख रहे हो इस प्रेस मशीन को भी मैंने इस तरफ मोड़ दिया है और यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है, ताकि भाई ये थोड़ा साफ सुथरा सा लगे। और वैसे ये जो फैंस हमें इसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ से नीचे गिरने का थोड़ा डर है। वैसे यहाँ पे पानी, अगर मैं यहाँ पे नीचे भी गिरता हूँ तो इस पानी से मैं ऊपर आ जाऊँगा, और ऐसा रिस्क भाई मैं बार बार लेके नहीं दिखाने वाला। ये मतलब ये काफ़ी रेयर होता है और मैं गिर भी सकता हूँ। और जो कोल का कनेक्शन है ना, वो मैंने इस तरीके से कर दिया है कि देखो ये जो कोल जब इसके अंदर जाएगा ना, और ये स्मेल्ट होगा, ये कोल जितना भी स्मेल्ट हो रहा है फिलहाल, तो वो अभी आप लोगों को दिखाई देगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें अपग्रेडर वगैरह लगा चुका हूँ पाइपों में, तो वो बहुत स्पीड में निकलता है। तो देखो ना तो इस वाली चेस्ट में आएगा कोल और ना ही इस चेस्ट में आएगा कोल, क्योंकि जो कोल है ना वो वहाँ से निकल करके इस चेस्टों में से निकल करके इस चेस्ट में आएगा। और ये जो चेस्ट है ना, इस चेस्ट में अपग्रेडर लगे हुए डायमंड वाले, ये फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सभी के अंदर। जैसे कि इसमें देखो, इसमें भी पूरा कोल आ चुका है। और अगर मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊं, देखो यहाँ पे भी देखो ये पाइप अपग्रेडर लगे हुए हैं, तो इन सब में ना कोल आ चुका होगा 64 64, एंड आई थिंक इस मशीन में भी आ चुका होगा, लेट मी सी। ओके देखो इसने गोल्ड निकालना शुरू भी कर दिया है भाई। और इसका कनेक्शन थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं भाई, ताकि जहाँ पे मेरे को कोल डालना है सिर्फ वहीं जाए, फालतू की जगहों पे ना जाए। देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ पे भी अभी कोल इकट्ठा हो गया होगा। हाँ देखो ये हो गया कोल इकट्ठा, क्योंकि यहाँ पे पाइप कनेक्ट हो रखा है। तो अब इस वाले पाइप को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो गोल्ड है ये निकलता रहे पूरी स्पीड में, क्योंकि इसमें मैंने पाइप अपग्रेड भी डाल दिया है। तो देख रहे हो गाइस गोल्ड आना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे मीडियम एंशेंट शार्ड, लेट्स गो गाइस। अब मेरे को मीडियम एंशेंट शार्ड मिल गए हैं, इसका फ़ायदा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो। और हाँ भाई रुको, ये कोल मैं वापस इसमें डाल देता हूँ, लेट्स गो। तो ये देखो गाइस, ये जो मीडियम एंशेंट शार्ड है ना, इससे मैं अब अगली चीज़ खरीद सकता हूँ, यानी कि मैं डायमंड माइनर भी बना सकता हूँ। बस मेरे को 4 ब्लॉक चाहिए होंगे डायमंड के, और डायमंड को भाई मैं कई तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मैं डायमंड को निकाल नहीं सकता ना, तो मैं डायमंड बना भी सकता हूँ इसमें, देखो। ओके हाँ ये देखो, मैं डायमंड को बना भी सकता हूँ गाइस, मेरे को सिर्फ रोटन फ्लैश चाहिए होगा, तो रोटन फ्लैश से मैं डायमंड बना सकता हूँ। बट इसमें एक दिक्कत है भाई, मेरे पास यहाँ पे कोई मॉब ही नहीं है, मतलब इस वाले वर्ल्ड में मैं मॉब स्पॉन नहीं होने दे रहा हूँ, जिसकी वजह से कि मेरे पास रोटन फ्लैश ही नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो मतलब ये वाला आइडिया मेरा काम नहीं आएगा, तो मेरे को माइन ही करना पड़ेगा जा करके डायमंड। और ये भरा कुछ भाई, ये तो कुछ भरा ही नहीं, कहाँ जा रहा है सारा का सारा लावा? मुझे लगता है गाइस लावा जो है ये इस ब्लॉक के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह का लूप होल होता है।
तो मुझे यहाँ से हटाना होगा अपना लावा, कहीं और लगाना होगा भाई। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मैंने लावा का जुगाड़ वापस से कर दिया है, बट इसमें मेरे को लावा इकट्ठा होता हुआ नहीं दिख रहा, पता नहीं होगा भी क्या नहीं होगा यार, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो चलो यार अब जरा डायमंड माइन करके लाते हैं और डायमंड की जो मशीन है वो भी खरीद लेते हैं और लगा देता हूँ फटाफट से मैं डायमंड की मशीन भी, ताकि मैं नेदर राइट तक पहुँच सकूँ भाई, क्योंकि इसमें नेदर राइट की मशीन भी है। तो गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं अपना बिल्ड कर रहा था भाई, और बिल्ड करते करते ना भाई आप लोग देख रहे हो कि मतलब मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो करप्ट हो गई भाई। शिट यार, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरी रिकॉर्डिंग ओवर ड्यूरेशन हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर से रिकॉर्ड कर रहा था मैं, मतलब 2.5-3 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा था, और मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई उसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब मैं 4K में रिकॉर्ड करता हूँ, तो भाई उसकी वजह से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस खा लिया उसने, और मैंने चेक नहीं किया कि जो मेरी स्टोरेज डिस्क थी वो पूरी फुल हो गई, जिसकी वजह से भाई OBS में वो जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी की पूरी ब्लास्ट हो गई, मतलब ब्लास्ट से कहने का मतलब है कि वो करप्ट हो गई भाई। तो गाइस मैंने बहुत सारी प्रोग्रेस की यार यहाँ पे, मतलब अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों की मैंने क्या क्या किया है भाई। यहाँ पे मैंने लगभग इस जगह को पूरा तगड़ा तरीके से बना दिया है। अगर मैं आप लोगों को फ्री कैम से दिखाऊँ तो ओके, ये देखो गाइस फ्री कैम से आप लोग देख सकते हो, ये एक तरह का मतलब मैं इसको बहुत ही तगड़ा बनाना चाह रहा हूँ, और अभी आप लोग देखते जाओ कि कैसा कैसा बनता है। बाकी यार फ्री कैम से बहुत हेल्प मिली है मुझे, क्योंकि मतलब बिल्ड करने में ना फ्री कैम जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके अलावा गाइस मैं ना एक चीज़ और बना लेता हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा बिल्ड करना पड़ रहा है ना, तो मेरे को एक वॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वॉन्ड बना लेता हूँ, जिससे कि जो मेरा बिल्ड है ना वो थोड़ा और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़े स्लैब्स वगैरह ले लेता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि अपने इस बिल्ड को ना पूरा का पूरा स्टोन से बनाऊं, बट यार यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा मतलब प्लैंक्स वगैरह भी यूज़ करना पड़ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि यार अब इसके अलावा मैं प्लैंक से नहीं बनाता, अब इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें ना वो मैं डर्ट से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डर्ट है, और यहाँ जहाँ पे प्लैंक था वो तो मैंने प्लैंक से बना दिया, बस इसको थोड़ा सा मैं प्लैंक से बना देता हूँ ताकि ये थोड़ा मैच हो जाए। यहाँ से मैंने यहाँ तक प्लैंक से बनाया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ओके मैं एक बारी मार्क कर लेता हूँ। और अब लगे हाथों मैं डायमंड वाली माइन भी खरीद लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास अनलिमिटेड डायमंड हो जाएंगे भाई। ओके गाइस, तो ये रही डायमंड की माइन, तो अब मेरे पास डायमंड की भी कोई कमी नहीं होने वाली है, अब मैं बाकी की सारी चीज़ें बना सकता हूँ भाई, और यहाँ पे मैं डायमंड की माइन लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भाई डायमंड की माइन भी अब मेरे पास आ चुकी है, ये अनलिमिटेड डायमंड निकालेगी, बस इसको पावर देनी है, और पावर इसको मिलेगी कोल से। फटाफट से अपना डायमंड का जो माइनर है उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं, और इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मैं बेसिक पाइप अपग्रेड भी डाल देता हूँ, और इसमें एक्टिवेटर भी डाल देता हूँ, ताकि ये फटाफट से जो डायमंड है वो बनाना शुरू करे। और भाई ये डायमंड बनाना शुरू कर दिया है, और आई थिंक इसमें कोल, ओके इसमें कोल भी आ रखा है भाई, लेट्स गो। और देखो यार मैं चाहूँ ना इसको भी बहुत सिंपल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे देख रहे हो अब इसमें मेरे को कोल लाला के ऐसे करके डालने पड़ते हैं, यहाँ से कोल उठाओ, और वैसे देखो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है यार, थोड़ा बहुत मैनुअल काम भी रखना चाहिए। और यहाँ पे मुझे इस तरीके से इसमें कोल ला के डाल दूँ, तो ये कोल इसके अंदर डलते रहेंगे इस तरीके से, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा इन पाइपों के थ्रू सारे के सारे माइनर्स में, ये जितने भी माइनर हैं ना इनमें। और यार इनको ना यहाँ से हटा के मैं एक साइड में करूँगा, क्योंकि यार ये बीच वाला रास्ता मैं बिल्कुल खुला रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा और भी प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। अभी आप लोग देखोगे बस मेरी एक दो मशीनें रह रही है, देन मैं अपनी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करूंगा, और देखना भाई प्रोजेक्ट कितने मस्त मस्त बनेंगे क्रिएट मोड के। जैसे पहला प्रोजेक्ट तो मेरा यही था बेसिक काइनेटिक एनर्जी का, और हाँ एक चीज और, डायमंड तो आ गए ना भाई। ओके गाइस, तो डायमंड आ गए हैं, और सबसे तगड़ी चीज बिग एंशिएंट शार्ड। गाइस मेरे पास बिग एंशिएंट शार्ड आ गया है, और ये जो बिग एंशिएंट शार्ड है ना इससे एक बहुत तगड़ी चीज मैं खरीद सकता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो बिग एंशिएंट शार्ड से मैं यहाँ पे
डेब्रिस माइनर खरीद सकता हूँ, मतलब मैं एंशिएंट डेब्रिस यानी के गाइस मैं नेदरराइट खरीद सकता हूँ, और भाई मतलब नेदरराइट बना सकता हूँ, अनलिमिटेड नेदरराइट हो जाएगा मेरे पास। बट उसके लिए मेरे को नेदर लालटेन बनाना पड़ेगा, और नेदर लालटेन के लिए मेरे को एक सेटअप बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए क्वार्ट्ज वगैरह मतलब नेदर में जाना पड़ेगा मुझे। देख रहे हो क्रिम्सन स्टेम, तो भाई ये क्रिम्सन वाला पेड़ भी लाना पड़ेगा जो कि नेदर में ही मिलता है, और अभी तक मेरे पास लावा नहीं हुआ है। और हाँ, लावा से याद आया यार, देखो यहाँ पे ना मैंने एक कूल्ड्रन थोड़े एक्स्ट्रा लगा दिए थे, और यहाँ पे ऊपर लावा भी भाई एक्स्ट्रा मैं माइन से लेके आ गया था, मतलब जो मेरा माइनर है यहाँ से लावा लेके आ गया था, और यहाँ पे देखो लावा भरना शुरू भी हो गया। बस ये मेरे दो ही कूल्ड्रोन बचे हैं, बाकी मेरे 8 कूल्ड्रोन भर चुके हैं, मैंने 10 कूल्ड्रोन लगाए थे। अब जैसे ये 2 कूल्ड्रोन भी भर जाएंगे तो भाई मेरा यहाँ पे ऑप्सीडियन का जुगाड़ हो जाएगा, और ऑप्सीडियन से मैं खोलने वाला हूँ नेदर पोर्टल, और नेदर में जाकर के मैं क्वार्ट्ज लेके आऊंगा, क्रिम्सन वाला पेड़ लेके आऊंगा, फिर मेरा नेदरराइट का सूट भी बन जाएगा। और हाँ, आप लोग बोल रहे हो यार मैं स्काई ब्लॉक में हूँ, यहाँ पे नेदरराइट का क्या काम? भाई इसमें ना एक बॉस भी है, उससे फाइट करनी है अपने को, वरना हमारा स्काई ब्लॉक अधूरा रह जाएगा। तो चलो भाई, अपने इस तगड़े से स्काई ब्लॉक के साथ साथ बॉस फाइट भी होगी तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी मैं देखता हूँ कि मुझे एक स्टैक डायमंड और से कितने मिलते हैं डायमंड्स, अगर इनको मैं क्रश करता हूँ तो। तो भाई चलो, खाना भी मेरा ख़त्म हो गया, खाना भी ले लेता हूँ भाई, फ्री का खाना। और यार खाने से मेरे को याद आया कि मेरे को ना एक मॉब फार्म भी बनाना है, और मेरे को एनिमल फार्म भी बनाना है, तो यार उसके लिए भी तो मेरे को तैयारी करनी है। और यार उसका भी मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, इनको भी मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, पता है कैसे? चलो अभी दिखाऊंगा, पहले देखते हैं कि एक स्टैक डायमंड से मेरे को कितने डायमंड मिलते हैं। तो ये रहा हमारा क्रशर, तो फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए कॉल को रोक देते हैं और देखते हैं डायमंड कितने मिलेंगे। भाई मेरे पास यहाँ पे कोई डायमंड नहीं था, तो देखते हैं कितने डायमंड मिलेंगे, लेट्स गो। अरे भाई दिखा दे यार, ओके 1, 2, 3, तो भाई मेरे को 3 स्टैक ऑफ डायमंड मिले हैं एक स्टैक से। तो यार ये तो बहुत ही सही है यार, मतलब अब ये लगा लो कि मेरे पास अनलिमिटेड डायमंड हो चुके हैं। ओके गाइस, तो भाई मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लगा दिया है उसको, तो चलो फ्री कैम से जरा देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ओके गाइस, तो भाई हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बस इस एनिमल फार्म का कुछ करना पड़ेगा भाई, ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, ये जो मैंने सर्कल टाइप कुछ बनाया है ना यहाँ पे भी भाई मैं एक बहुत तगड़ी चीज़ बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे को ना बार बार जो ट्रीज है ना वो यहाँ पे डर्ट पे उगाने पड़ रहे हैं। अब मैं एक ट्री फार्म बनाने वाला हूँ जिससे कि मेरा जो ट्री का जो जितना भी लॉग वगैरह है उसका प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने सोचा यार कि मैं जब इतनी सारी चेंजेस कर ही रहा हूँ अपने इस वर्ल्ड में, तो क्यों ना ये मशीनों को भी मैं एक साइड लगा दूं ताकि थोड़ी बहुत बढ़िया लगे। अब ये ना बीच में आ रही है, तो बीच में यार मैं कुछ खाली सी जगह छोड़ना चाहता हूँ जहाँ पे मैं कुछ और बनाना चाहूँ, तो इन मशीनों को मैं साइड में फिट कर देता हूँ, और जो रही सही चीज़ें बची है मेरे इस वर्ल्ड में उनको भी थोड़ा सेटअप कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सारा का सारा सामान ऑर्गेनाइज सा लगे, ऐसे बिखरा बिखरा ना लगे।
सो गाइस मेरी छोटे मोटी जो सेटिंग्स है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मेरे एनिमल्स देख रहे हो गाइस ये बाहर आ गए भाई, क्योंकि मैंने इनका बाड़ा जो वो तोड़ दिया और इनको अभी तक कोई भी घर नहीं बना के दिया है। चलो कोई ना यार, इनको वैसे घर की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि मैं अब ऑटोमेटिक एनिमल फार्म बनाऊंगा, ऑटोमेटिक मॉब फार्म बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा वो तो चलो अभी देखेंगे, फिलहाल मैं ऐसे थोड़ा खाना ले लेता हूँ भाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास अब लावा की कमी नहीं है, तो चलो फटाफट से ऑब्सीडियन बना लेते हैं। तो मैंने जो अपना स्टोरेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप कर दिया है। ये बाकी के चेस्टें खाली पड़ी यहाँ पे, लेकिन कुछ चेस्टों में सामान है, तो ये मेरा सामान है भाई। और यहाँ पे मैंने जितनी भी मशीन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सब का पाइप कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया है कि यहाँ पे मैं कोल डालूंगा तो सारा का सारा इन मशीनों के अंदर जाएगा वो कोल, ठीक है, सभी मशीनों में चला जाएगा। और जितना भी मशीनें जितना भी सामान निकालेंगी ना बनाएंगी, तो वो इन चेस्टों में यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। वो अभी इसको मैंने सेटअप नहीं किया है, अगर मैं इसको सेटअप कर दूँ यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से तो इन चेस्टों में आता रहेगा सारा सामान। ये देखो आना शुरू हो गया है। तो इन चेस्टों में भी जब मैं पाइप कनेक्शन कर दूंगा तो ये सारी चेस्टें भरने लग जाएंगे। बट यार अभी मेरे को इतने सामान की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार ये एक तरह से ये अनलिमिटेड हो गया है, मतलब ये इनफाइनाइट सामान हो गया है भाई। और मैंने जो ये जगह बनाई है ना, इसको भी मैं एक बहुत बढ़िया चीज में कन्वर्ट करने वाला हूँ। फिलहाल तो गाइज अपने को यार पोर्टल बनाना है, जो कि नेदर पोर्टल है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारा लावा हो चुका है। बस मेरे को बकेट लेनी है यहाँ से, तो एक बकेट लावा की और एक बकेट पानी की जब मैं मिलाता हूँ ना, तो देखो क्या बनता है। अगर मैं इन बकेट्स को इस तरीके से रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑब्सीडियन मिलते हैं, और बस मेरे को इसी तरीके से ये चीज़ें प्रोसेस करनी होंगी। और ये लास्ट 20, तो मेरे पास 20 ऑब्सीडियन हो गया। अब भाई फटाफट से यहाँ पे मैं एक पोर्टल बना लेता हूँ। हाँ भाई, मैंने यहाँ पे ये एक टेम्परेरी सा पोर्टल बनाया था, और ये मैंने डायमंड के ब्लॉक से बनाया था। तो भाई अब क्या करें, बिल्ड में कुछ ना कुछ तो बनाना ही था ना, मेरे पास ऑब्सीडियन नहीं था तो मैंने यही बना लेता। तो फिलहाल हमारा पोर्टल जो बनके तैयार हो गया, बस अब इसको इग्नाइट करना है। आई होप कि ये चल जाए भाई, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इस वाले वर्ल्ड में हम पोर्टल ओपन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि हो जाए यार ये पोर्टल ओपन। ओके, तो ये पोर्टल ओपन हो गया है। तो एक बार ही मैं जरा चल के देखें, बस कुछ बेकार बात ना हो जाए यार, क्योंकि हम हार्डकोर में हैं। ओके, अपने साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और अपने को लोकेशन भी ठीक ठाक मिली है, तो एक बार वापस चलते हैं। तो मेरे को थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, वहां से मेरे को क्वार्ट्ज वगैरह लेकर के आना है। मतलब ये देख रहे हो, एकदम इस जगह के बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे इन्फिनाइट वाटर बनाया है, यहाँ पे पोर्टल बनाया है। मतलब यार ये क्या ही, एकदम बहुत ही प्यारी लग रही है ये चीज़ जो भी है। अभी आप लोग देखते जाओ कि मैं इसके साइडों में कुछ बनाने वाला हूँ, दोनों साइड, वो क्या बनाता हूँ। ये बहुत प्यारी जगह बनने वाली है गाइस। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ले लिया सोल सैंड, ये मिल गया मेरे को यहाँ से क्वार्ट्ज। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ वापस, लेट्स गो गाइस। तो काम की चीज जो है भाई वो मेरे को मिल गई है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया है, और ये सेटअप मैंने क्यों बनाया है तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सेटअप मैंने क्यों बनाया है। अब मेरे को थोड़े से लैपिस चाहिए होंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं लैपिस। अब मैंने ये सेटअप ना इसलिए बनाया ताकि मेरे को बार बार नेदर में ना जाना पड़े। अगर देखो मैं इस वाले सेटअप पे यहाँ पे अगर ये गिराता हूँ ना लैपिस कुछ इस तरीके से, तो ये लैपिस यहाँ पे बर्न होने शुरू हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये प्रिज्मरीन में कन्वर्ट हो गए हैं, और आई थिंक जो प्रिज्मरीन है वो क्वार्ट्ज में कन्वर्ट होगा। ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो भाई आप लोग, ये प्रिज्मरीन में और प्रिज्मरीन शार्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मेरे को इनसे बनाना है क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज बनाने के लिए मेरे को क्रशिंग व्हील बनाना पड़ेगा। तो चलो गाइस
फिर क्रशिंग व्हील बनाने की तैयारी करते हैं। अभी मैं अपने लिए कुछ ओर्स निकाल रहा हूँ ताकि यार मेरे को बार बार यहाँ पे स्मेल्टर और क्रशर में ना आना पड़े। इन फ्यूचर तो मैं इसको पूरा ऑटोमेटिक कर ही दूंगा, फिलहाल अभी तो मैनुअल से काम चलाना पड़ेगा भाई मेरे को। अब भाई मेरे पास निकल्स और बाकी सब मटेरियल्स नहीं है जो कि वेनिला माइनक्राफ्ट के नहीं है, तो उनको मेरे को स्लैज से या फिर मेरे को जो स्टोन मिलते हैं ना माइनिंग डायमेंशन से उनसे निकालना पड़ेगा या फिर मैनुअली निकाल के लाना पड़ेगा, और मैनुअली मैं निकालना नहीं चाहता। सो गाइस अभी मैं एक ट्रैश कैन बनाने वाला हूँ, और ट्रैश कैन भाई क्या होता है देख लेना आप लोग, मतलब एक तरह का डस्टबिन होता है ये। ओके डस्टबिन बन गया है गाइस, मतलब कि ट्रैश कैन। और इस ट्रैश कैन को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं पाइप कनेक्ट करूँगा इस तरीके से यहाँ से, और जो अनवांटेड कनेक्शन है उनको हटा दूँगा यहाँ से। तो भाई देखो अब यहाँ पे ना, तो अब मैं इस चेस में से निकालने वाला हूँ ये चीज़ें कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन ये सभी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, तो मैं इसमें एक फ़िल्टर डाल देता हूँ, और इसमें मैं ये शार्ट्स जो होते हैं ना इन शार्ट्स को डालने वाला हूँ इसमें। तो ये हो गए स्मॉल। ओके गाइस तो ये चीज़ चार चीज़ें वाइट लिस्ट कर दी है मैंने, अब ये चार चीज़ें खाली हो जाएंगी इसमें से। देख रहे हो कितनी जल्दी खाली हो रही है भाई साहब। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइटम्स बचेंगे इस तरीके से, मतलब ये जितने भी आइटम्स हैं ना सिर्फ यही बचेंगे। और ये मशीन जितना भी मतलब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगी वो सब नहीं जाएगा ट्रैश कैन के अंदर, सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी फालतू की चीज़ें। और इसमें से रुक क्यों गई, अरे यहाँ पे तो यार फिल्टर ही नहीं है। ओके बाकी सब में फिल्टर है, तो चीज़ें आराम से पहुँच जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी सब में फिल्टर है, नाइस। और फिल्टर होना भी चाहिए था भाई। अब ये जो शार्ट्स है ये तो भाई यहाँ पे रुकेंगे नहीं, तो चलो एक काम हो गया। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ब्लेज बर्नर बना लिए हैं, इनमें मेरे को ब्लेज पकड़ के लाना है भाई नेदर में से, तो चलो नेदर फोर्ट्रेस ढूंढते हैं, लेट्स गो। और एक काम की चीज़ तो भाई मेरे को यहाँ पे मिल गई, ये वाली वुड जो कि मेरे को मेरी अगली मशीन यानी कि अगला माइनर बनाने के लिए काम आएगी, जो कि भाई डेब्रिश माइनर है। मतलब मेरे पास इन्फानाइट डेब्रिश भी होने वाली है भाई, मतलब नेदरराइट ही नेदरराइट होगा अब मेरे पास। चलो ये मेरे को 16 चाहिए थे और मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार ना आना पड़े यहाँ पे। सो गाइस मेरे को अभी तक नेदर फोर्ट्रेस तो मिला नहीं, बट मेरे को बेशियन मिल गया है भाई। क्रैंग ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन है, गोल्ड का हेलमेट है। वैसे हेलमेट का कुछ काम होगा नहीं अभी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहूँ ना आई थिंक मैं मेन लूट के पास हूँ। ओके गाइस तो भाई बहुत खतरनाक बंदों के बीच में हूँ मैं। इनको भाई यही तरीका है इनको मारने का, वरना गाइस इनका जो डैमेज होता है ना वो बहुत डैमेज देते हैं और इनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको मारने का तो फिलहाल यही तरीका है अभी। ये क्रॉसबो वालों में ज़्यादा पावर नहीं है भाई, जो मेन पावरफुल बंदे होते हैं ना वो एक्स वाले होते हैं। और मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल गया, लेट्स गो भाई। ये तो बहुत ईजी था यार, नाइस मज़ा आ गया। ओके एक मेंडिंग वाली पिकेक्स भी मिली मुझे, लेट्स गो गाइस। ये रहा नेदर फोर्ट्रेस और बस मुझे इसके जाना है अंदर। और बढ़िया चीज़ देखो गाइस मेरे को यहाँ पे ब्लेज भी मिल गया, बट वो नीचे उड़ रहे क्या उनका स्पॉनर है? अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बहुत सही रहेगा। अरे कहाँ से, शिट भाई क्या बच के निकला हूँ मैं। ओ शिट की शिट शिट शिट। ओके गाइस एक ब्लेज मैंने पकड़ लिया है, बट मैं खुद जल गया हूँ थोड़ा। ओके गाइस तो भाई मेरे पास 20 ब्लेज हो गए, अब चलते सीधा घर की तरफ। सबसे पहले तो गाइस मेरे को इस मशीन को थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे ब्लेज आएगा, उसके ऊपर ये आएगा, यहाँ पे थोड़ा रास्ता, और यहाँ पे ये मशीन आएगी, इसको तोड़ो। इट्स अपीयर दैट दिस मैकेनिक मिक्सर इज नॉट रोटेशनल विथ इनफ स्पीड। ये देखो आप बनना शुरू कर दिया इनने भाई साहब, स्पीड चाहिए थी इसको भाई। ओके नाइस गाइस अब ये ब्रास बनाना शुरू कर रहा है। अब जब यहाँ पे ब्रास बन जाएगा तो मेरी सारी चीज़ें ब्रास की बनेंगी, और मैं मैकेनिकल क्राफ्टर की तैयारी कर लेता हूँ। ओके एक स्टैक बना दिया इसने, तो चलो एक स्टैक और बना लेते हैं हम।
और जो ब्रास हमारा बना है उससे बनेगी हमारी यहाँ पे केसिंग, और इस केसिंग से ही सब कुछ बनेगा भाई अब। ओके गाइस, तो भाई मेरी एक लास्ट मशीन बचती थी जो कि थी नेदरराइट की, और आई थिंक अभी मैं नेदरराइट की मशीन को जो है वो ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है लालटेन बनाने का सारा सामान आ चुका है भाई, क्योंकि हम नेदर में चले गए थे तो वहाँ पे मेरे को सामान मिल गया था। क्या क्या चाहिए था एक बार देख लेता हूँ। बिग एंसेंट शार्ट 4 चाहिए, 12 एंसेंट डेब्रिस। भाई एंसेंट डेब्रिस तो मेरे को मिली नहीं, बट मेरे पास एक अलग तरीका है एंसेंट डेब्रिस बनाने का। पहले मुझे स्क्रैप बनाने होंगे, और स्क्रैप बहुत सारे डर्ट और डायमंड के ब्लॉक से बन जाएगा, मतलब एक स्क्रैप बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी डर्ट पड़ी है, मैं ले लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मेरे पास नेदरराइट इनगट आ चुके हैं पूरे 18 के 18। और तो चलो भाई, अब मेरे को स्टोन और चाहिए, और स्टोन ये रहा, और इस तरीके से मैं बना लेता हूँ एंसेंट डेब्रिस, जो कि मेरे को 12 चाहिए, बट मेरे पास 15 आ गई हैं। चलो कोई नहीं, फिलहाल मेरे पास डेब्रिस हो गई है, नेदर लालटेन हो गई है, और कहाँ गए भाई लॉक्स। तो ये आ गई गाइज हमारी डेब्रिस माइनर। तो ये हमारी आखिरी मशीन थी, ये भी हमारी आ गई है। वैसे मेरे को ज़्यादा डेब्रिस नहीं चाहिए होगी, इसलिए मैं इसको मैन्युअली चलाऊंगा, इसको ऑटोमेटिक नहीं कर रहा इस मशीन को, क्योंकि मेरे को ज़्यादा भी नहीं चाहिए भाई, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो गाइस चलो कोल डाल के देखते हैं इसमें भाई क्या क्या स्पीड रहती है इसकी। ओके, इसकी स्पीड बहुत तगड़ी है गाइस, देखते हैं कितनी निकालती है ये। आई थिंक एक स्टैक कोल का जो मेरा है बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है भाई, ऐसे पी रही है मतलब कोल को तो भाई ये मशीन। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने पास यहाँ पे बहुत सारे एंसेंट डेब्रिस हो गई है, जिनसे मैं बहुत सारी नेदरराइट बना सकता हूँ, और मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट तो मिल ही गया था, इनको भी मैं डबल ट्रिपल कर सकता हूँ, और ये एंसेंट डेब्रिस को मैं डबल ट्रिपल कर सकता हूँ क्या, लेट मी चेक। मैं देखता हूँ कि मेरे को एक स्टैक से कितनी मिलती है, ठीक है मैं क्रशर में डाल के देखता हूँ इसको एक स्टैक से मुझे कितनी मिलती है, लेट्स सी। ओके, मेरे को एक स्टैक एंसेंट डेब्रिस से 2 स्टैक स्क्रैप मिल रही है, तो फिर भी काफ़ी है यार इतनी, मतलब मैं तो पूरी की पूरी पूरा एक कार्सल बना सकता हूँ, इतनी सारी डेब्रिस मेरे पास हो चुकी है। ओके, ऑलमोस्ट एक स्टैक नेदर इनगट हो गया मेरे पास। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने आर्मर को ही नेदरराइट में कन्वर्ट करना चाहूँगा, और इस स्मिथिंग टेबल में आई थिंक मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट लगाना पड़ेगा। यस गाइस, और स्मिथिंग टेम्पलेट को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसको काफ़ी सारे इसके क्लोन बनाने, और क्लोन बनाने के लिए मेरे को डायमंड और नेदर रैक लगेगा। तो चलो सबसे पहले तो अपना आर्मर को ही करते हैं अपग्रेड। अरे मैंने वो कहाँ रख दिया, हेलमेट बूट पैंट, ये आ गया गाइस मेरा पूरा आर्मर, लेट्स गो। वेपन्स को भी कर लेता हूँ, स्वॉर्ड पिकैक्स एक्स, एक शॉवल भी बनाना है मुझे, ये आ गया शॉवल, लेट्स गो। तो भाई मैं फुल्ली अपग्रेड हो चुका हूँ नेदरराइट में, अब जरा स्टोरेज सिस्टम बनाते हैं। स्टोरेज सिस्टम बनाना भी गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो भाई मैंने जो यहाँ पे जो बैरल्स थे ना उनको डायमंड तक में कन्वर्ट कर लिया है, अब लास्ट इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि है नेदरराइट। और नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसको ऐसे और ऐसे रखेंगे, तो ये नेदरराइट में कन्वर्ट हो गए। और भाई मैं इसको आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ, पहले तो पहले मैं एक नॉर्मल बैरल ले लेता हूँ और आपको नेदरराइट के बैरल में फ़र्क दिखाता हूँ कितना फ़र्क है। ये देखो गाइस, ये वाला नॉर्मल है और ये वाला नेदरराइट का है, तो ये देखो ये है नॉर्मल, इसमें इतना स्पेस है, और ये है नेदरराइट का, देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा फ़र्क है भाई इन्वेंट्री में। तो इसीलिए मैंने नेदरराइट में कन्वर्ट किया है इनको, और अभी तो गाइस इनमें हम स्टैक अपग्रेड वगैरह लगा करके इनको और भी ज़्यादा तगड़ा बना सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक इतने बैरल काफ़ी रहेंगे, अगर कम पड़ेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़े से और लगा लूँगा इस तरीके से,
वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये कम पड़ेंगे, आई थिंक ये इनफ ही रहेंगे चीज़ें। तो चलो ये सारे के सारे चीज़ें तोड़ देता हूँ मैं और इनको फटाफट से शिफ्ट करता हूँ इसके अंदर। 12:00 midnight ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ लिंक केबल और कुछ चीज़ बनाई है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है। पहले मैं इन सबको लिंक कर देता हूँ एक दूसरे के साथ ताकि ये कनेक्ट हो जाए सारे के सारे जितने भी स्टोरेज सिस्टम है। तो ये कनेक्ट करके मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ इधर, और ये कनेक्ट होएगा स्टोरेज नेटवर्किंग पोर्ट से, और ये जो पोर्ट है ये होगा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल से। तो ये देखो गाइस जितना भी मेरे पास स्टोरेज है वो सारा का सारा इसके अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी सर्च करूँगा ना, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टोन सर्च करता हूँ तो ये स्टोन आ जाएगा। जितना भी इन बैरल्स में सामान रखा होगा ना वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो यानी कि अब हमारा स्टोरेज सिस्टम बन चुका है, और इसको मैं ना वायरलेस भी कर सकता हूँ, मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट उसको करने के लिए मैंने ये रिमोट बनाया है। इस रिमोट को मुझे इससे लिंक करना होगा। अब देखो मैं अपने स्टोरेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे कॉपर का ब्लॉक बनाना है तो मेरे को वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा यहीं से ही बन जाएगा कॉपर का ब्लॉक। तो ये इतना ज़्यादा मतलब ऑटोमेटिक कर दिया है मैंने, मतलब स्टोरेज हमारा पूरा ऑटोमेटिक हो गया है। और थोड़ा कुछ सामान था जो क्रेट मोड का मैंने यहाँ पे बनाया था भाई, तो ये क्रेट मोड का सामान मैंने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे मैंने एक सेटअप भी बिठाया था इसको बनाने के लिए। यार अब सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगा तो भाई ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब भाई 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो चलो गाइस अब मैं अपनी मशीनें बनाना शुरू करता हूँ।
तो गाइज यार बहुत मेहनत के बाद भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया है और हमारे वर्ल्ड के 100 डेज भी कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो गाइज मैंने साइड में ना कुछ एक बढ़िया तरीके से घूमने वाली रोटेशनल, ये ऐसा लगेगा जैसे कि भाई इसके रोटेशनल फैन है, मतलब बहुत ही सही लग रहा है भाई, ये ऐसा लग रहा है मैं कोई एयरशिप हो। तो मैंने साइड में दो स्टीम इंजन भी बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई, मतलब वो 250,000 मतलब 250K की काइनेटिक एनर्जी मतलब स्ट्रेस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब यार वो जो मैंने इंजन बनाया ना स्टीम के वो भी बहुत पावरफुल है, एक इंजन एक साइड का फैन चलाएगा और एक इंजन एक साइड का फैन चलाएगा। तो यार ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वैसे इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं कर सकता हूँ, बट हमारा जो टारगेट था वो 100 डेज का था। अगर आप लोग ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरे को भाई मोटिवेशनल मिले आगे वीडियो बनाने का, क्योंकि गाइस मैं इसमें और भी बहुत सारी चीज कर सकता हूँ। मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहता था, वैसे ये और ज़्यादा बढ़िया बन सकता है, बस मेरे को यहाँ पे वूल का फार्म बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसको पूरा एकदम फैन की तरह बना सकता हूँ। और उसके अलावा हम चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये वाला मोड पैक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, यहाँ से तो ये शुरू होता है, बट हम अपनी इस वाली वीडियो को एंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे 100 डेज ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं। और मेरे इस वर्ल्ड में जितनी भी जो करामाते मैंने किए भाई ये पसंद आई हो और थोड़ा बहुत एडवेंचर देखना चाहते हो। और हाँ यार एक चीज़ और रुको, तो गाइस यार मैंने बोला था कि आप लोगों के इसमें ना ये बॉस फाइट होगी, तो यार वो बॉस फाइट तो मैंने करी नहीं। आप लोग भी बोलोगे भाई क्या बात है भाई, झूठ बोल दिया, बॉस फाइट तो करी नहीं। पहले गाइस मैं जरा यहां पे वो पोर्टल तैयार कर लूं। तो पोर्टल हमारा बनके तैयार है गाइस, तो क्या ये पोर्टल वर्क करेगा? मुझे एक पानी की बकेट चाहिए होगी इसको ऑन करने के लिए। तो ये देखो गाइस बॉस फाइट वाला पोर्टल हमारा बनके रेडी है, तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड गाइस, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया भाई। यहाँ पे गाइस बहुत ही अलग दुनिया है, ये नीचे देख रहे हो ये पूरा का पूरा वॉइड है भाई, मतलब मैं नीचे गिरा तो सब कुछ खत्म। क्या ये एंड सिटी की तरह होने वाला है? ओके गाइस, तो भाई मैं पहले तो वापस चलता हूँ घर पे, और यहाँ के एनिमल्स मोब्स बहुत ही ज्यादा अलग है। सो गाइस यार अगर आप लोग देखना चाहते हो कि भाई वहां पे मैं किस तरीके से सरवाइव करूंगा और किस तरीके से मैं वहां पे बॉस फाइट करूंगा, तो उसके लिए भाई देखना ना भूलना आप लोग। और लिटरली गाइस मैं वहां पे बिल्ड नहीं करने वाला भाई, इसमें एक वर्किंग, जैसे कि आप ये वाली स्पेसशिप देख रहे हो इसमें वर्किंग स्पेसशिप बनती है, मतलब पूरी उड़ने वाली स्पेसशिप बनती है, वो बना करके हम वहां पे जा सकते हैं और फिर उसके बाद बॉस फाइट कर सकते हैं। तो ओके गाइस मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाओ चाओ।